आज हमारे साथ एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इनसे हम पूछते हैं कि देखिए यार बोर्ड्स में क्या करना चाहिए, कैसे इन्होंने बहुत अच्छा नंबर अपने लाइफ में लाया, इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत की, अभी कोटा राजस्थान में अपनी तैयारी कर रहे हैं, नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनसे कुछ हम बातें करते हैं। ये जब हम इनको 10th में पढ़ा रहे थे तो काफी अच्छे लड़के थे और इन्होंने मैथ्स में कितना मेहनत किया और यहाँ से आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरह से तैयारी किया जाता है, ये कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ से आप सीखने का कुछ प्रयास करेंगे, आइए हम कुछ बातें करते हैं इनसे और सीखने आप भी सीखिए कुछ बात से इनके और सीखने का प्रयास कीजिए। तो ये बताइए आपकी, आप सबसे पहला अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम सुधांशु है, मैं अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं आप? कोटा से LN। अच्छा, तो ये बताइए सुधांशु कि आप जब 10th में थे तो किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे? मैं सर आप ही से किया था मैथ्स का प्रिपरेशन। अच्छा। पहले तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था मैं, लेकिन आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा और नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं 10th में। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे, जो बच्चे कमजोर हैं उन लोग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करें? उन कमजोर है मेहनत करें, आप ही से किरण मैथ क्लासेस से पढ़े। अच्छा, देखिए ये जो कह रहे हैं कि कमजोर बच्चे, और उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमजोर बच्चे कभी कभी देखते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि नहीं कुछ कर पाएंगे लाइफ में, ऐसे सोचने लगते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आप स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी डिमोटिवेट अभी से नहीं हुई है, अभी बहुत लाइफ बचा हुआ है आपका। हाँ, देखिए बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बोला कि अभी बहुत अच्छा। ये बताइए कि अभी आप जब अपने छोटे से शहर से जब आप LN जैसा कोचिंग में, कोटा जैसे शहर में गए, तो आपको कैसा फील हुआ वहां जाके? आपको पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अभी सही है थोड़ा। देखिए सबसे बड़ी पॉइंट आप लोग से यहीं से हमें ये मिलना, यहाँ से मिला हमें कि कहीं भी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, बड़े बड़े कोचिंग में जाएंगे, तो शुरू में आपको घबराहट होगी ही होगी, लेकिन आपको रिकवर करना होगा, मेहनत करना होगा। आप कितना दिन आपको थोड़ा रिकवर करने में टाइम लगा था? हाँ, 1 महीना लगभग लगा था, बहुत डिप्रेशन में हम भी चले गए थे, मार्क्स बहुत कम आ गए थे मेरे पहले। तो हम आप लोग से यही चीजें कहना चाहते हैं कि कहीं भी भैया डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप यदि मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो बहुत ऊपर जाएंगे। अभी बोर्ड का एग्जाम में हम देख रहे हैं कि 11 तारीख को एग्जाम है, 11 मार्च को, तो अभी तक जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए आप क्या कहेंगे, कौन से क्या बुक पढ़े, क्या पढ़े कि वो कवर कर सकता है? बस NCERT पढ़ी इनफ है बहुत, और उसके बाद कुछ YouTube पे लेक्चर देख लिए। मैं वही चीज आप लोग से बोला कि देखो भाई NCERT बहुत चीजें हैं, वो पूरा का पूरा आपको कवर कर लेगा, पूरा का पूरा। PYQ क्वेश्चन अगर लगा लें आप तो बहुत हो जा रहा है, उतने काफी है। तो एक चीज और आपसे हम बोलेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो मैथ्स में जब तैयारी कर रहे थे तो उसमें कितना क्वेश्चन डेली लगा रहे थे, कुछ आइडिया था? डेली लगभग 200 क्वेश्चन लगा रहे थे। 200 लगाते रहते? हाँ। बताइए, ये होता है एनर्जी यार, तुम अभी जो वीडियो मेरा खोल के देख रहे हो ना, ये होता है। और इसीलिए हम तो 10 क्वेश्चन लगाने के लिए कहते हैं तो तुम इधर उधर करने लगते हो ना। देखो भाई 200 क्वेश्चन बच्चे लगाते थे, अरे यार ये सब आगे नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? छोटा सा चीज में डिमोटिवेट मत हुआ करो मेरे भाई, समझ रहे हो ना। अब ये बताइए कि अभी आपका जो तैयारी चल रहा है वहां से आपको क्या क्या बहुत चीज सीखने को मिल रहा होगा अच्छे अच्छे टीचरों से, तो कुछ आपके अंदर कुछ चेंजिंग हुआ? हाँ, चेंजिंग हुआ कि अपना स्टडी टाइम बढ़ाए हम, और उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट हो गए तो खुद से मोटिवेट कैसे हुए ये जाने हैं। अच्छा, सब कुछ कुछ चीज मतलब आपको वहाँ पे पढ़ के काफी अच्छा फील हो रहा है? हाँ। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा, मजा भी आता होगा, बहुत हाँ। ज्ञान भी मिलता होगा उस टाइप से ना। अब देखिए आप लोग से भी बोलते हैं ना मेरे भाई कि मेहनत कीजिए, जाइए अपने सपनों को पूरा कीजिए। बिल्कुल समझ है ना, क्योंकि आप बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप इतना मेहनत किए और अपने सपनों के लिए अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब लास्ट सवाल आपसे यही हम पूछेंगे कि आप कितने घंटा अभी पढ़ाई करते हैं? अभी सर अभी घर आए हैं तब तो अभी 2-3 घंटा पढ़ ले रहे हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे कोचिंग हो जाता है 6 घंटे का। अच्छा, उसके बाद डाउट क्लास 2 घंटे का होता है, उसका सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं। ये बताइए कि आप सोते कितने घंटे हैं? ये बहुत बच्चे परेशान रहते हैं सोने से। 6 से 7 घंटा एकदम इनफ है सोने के लिए। अच्छा, बहुत हो गया, इससे ज्यादा मत सोइए। देखिए मैं आप लोग से यही बात बोला था ना
यार सोते रह जाओगे तो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बाहर बच्चे रहते हैं ना यार, वहां तो कुछ बच्चों को आप देखे होंगे कि पूरा रत रत भर जाग जाता हाँ होगा। सर एकदम, 3-4 घंटा सोते हैं, डार्क सर्कल आ गए हैं सबके आँख पे। देखिए, अरे भाई आपसे भी हम कह रहे हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है यार, इसीलिए मैं आज इनको उठाया और थोड़ा सा इनसे आज आए थे। ये कोटा रहते हैं, एलएन कोचिंग में अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इनसे थोड़ा सा मुझे लगा आज मिलने आए थे हमसे, तो लगा कि थोड़ा सा बात करूं और आप लोग यहाँ से कुछ सीखिए इनसे, ठीक है। तो चलिए सुधांशु, एक बार और बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। मैम डरिए मत, खुद मोटिवेटेड रहिए और एनसीईआरटी लगाइए और लास्ट के समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से कुछ बच्चों से मिलते रहते हैं हम, बहुत अच्छा फील भी होता है। कुछ बच्चे आते हैं इंटरव्यू टाइप में देते हैं, कुछ बच्चों से मिलना होता है, पढ़ाने की टेक्निक पता चलता है कि यार बच्चे सेटिस्फाइड हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये सब। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और हाँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।